मतलब इस फिल्म में ऐसे दिखाया है कि अगर आप कुछ चीज़ ठान लेते हो, आप मेहनत करते हो उसके पीछे, तो आप कुछ भी, मतलब चाहे आप जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हो वो ज़रूर पा सकते हो, पर वो है कि एक लगन होना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। आप जिस चीज़ की मतलब उम्मीद करते हो, आप जिस चीज़ के सपने देखते हो, वो ज़रूर पूरे हो सकता है। इतना है कि उस चीज़ के लिए मेहनत और लगन होना बहुत ज़रूरी है। उस फिल्म की कहानी उस तरह से ही है कि पंजाब की कहानी है, छोटे गांव से कहानी है, लोग उम्मीदें रखते हैं, गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए सभी को, सभी को इस तरह से होता है कि लाइफ अच्छी होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट की नौकरी है, फौज में भर्ती होना है, अपनी अपनी मजबूरियाँ होती है, लेकिन अगर सच्ची लगन और मेहनत के साथ अगर आप अपना काम करो तो आप एक अच्छा मकाम हासिल कर सकते हैं। वही एक फिल्म बताई और क्वाइट इंस्पिरेशनल फिल्म है, एक सीधी सादी एक बहुत ही सिंपल वे में, सिंपल तरीके में ये फिल्म लिखी गई है, दिखाई गई है, बहुत ही क्लीन और फैमिली एंटरटेनमेंट यू कैन से, और क्वाइट इंस्पिरेशनल फिल्म है। फाइव में से रेटिंग देना हो तो 3 स्टार। या स्टार्ट जीवन कला एक अच्छी हमारे पुलिस फोर्स पे फिल्म है जो पंजाब बेस्ड है, उसमें देश के हालात बताए हैं पुलिस फोर्स के, कितना डिफिकल्ट मुश्किल होता है एक पंजाबी आदमी को पुलिस में भर्ती होना, और कितना उनका जो उनके एक्सरसाइजेस कितने मुश्किल होते हैं जो, और उनका जो उनके जो तकदीर में कर सकते हैं, जिनको तकदीर में नहीं बनना होता है वो नहीं बनते हैं, लेकिन IPS वगैरह बनने में उनको ज़्यादा रुचि है, ज़्यादा देर पुलिस बनने से। 5 में से रेटिंग देंगे कितनी देंगे? 4। थैंक यू सर। वेरी रियलिस्टिक ऑल्सो, और मैं खुद एक्टर हूँ जी, और मैं एक्टिंग अकेडमीज में पढ़ाता भी हूँ जी, सो मेरे ख्याल से काफ़ी हटके थी, एंड इट वॉज वेरी 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 रियलिस्टिक, और दूसरे डिपार्टमेंट में भी ऐसा हो और ऐसी मूवीज बनती रहे। लड़कों ने भी अच्छा काम किया, डायरेक्टर ने भी अच्छा किया है, ऑल ओवरऑल इट वॉज अ डीसेंट एंड अ वेरी नाइस मूवी। अगर ये स्टोरी की बात करें तो स्टोरी कितना प्रभावित करती है? बहुत प्रभावित करती है, बहुत 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 बहुत, और मैं कहता हूँ ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी एक पिकअप कॉल है कि यंगस्टर्स के लिए भी अच्छा है कि वो लोग इससे इंस्पिरेशन लें कि लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो ऑब्स्टिकल्स आएंगे तो उसका सामना करो, फेस इट, ऊपर वाला है बट मेहनत तो करना पड़ता है, जैसे गीता में लिखा है ना, कम किए जा मत की इच्छा मत कर, तो ऊपर वाला देता है, भले देर से देता है लेकिन वो देता है। ऑल इन ऑल अगेन आई लाइक टू से मुझे खाली है कि अगर पंजाबी में भी रिलीज हो रही है तो और मजा आएगा देखने को, पंजाबी बट हिंदी में है तो इट्स गोना टारगेट अ लार्जर ऑडियंस, एंड आई वुड से कि एक एक चीज़ जैसे ट्रेनिंग में पुलिस ऑफिसर्स को क्या क्या झेलना पड़ता है, हाउ दे ओवरकम इट, एंड इट्स अ मैसेज ऑल्सो फॉर द यूथ कि नेवर गिव इन टू लाइक ईदर द थिंग्स दैट आर नॉट मेंट फॉर यू, एंड अगर कोई आपको दबाना चाहता है तो उसे डर के मत रहो, इट्स योर लाइफ, लिव इट एंड टेक द राइट डिसीजन, एंड इफ यू हैव द राइट पीपल अराउंड यू जैसे कि तो मैं आई वांट टू लेट डाउन मच कि इफ यू हैव गुड कंपनी फैमिली फ्रेंड्स देन आई थिंक रीचिंग योर गोल बिकम्स मच इजियर, सो या बट फोकस ऑन योर सेल्फ। मूवी का वो कौन सा पार्ट था जिसने आपको या रुलाया या खुशी दी या भावुक किया? मूवी का वो एक पार्ट कौन सा आपको बहुत बेस्ट लगा? एग्जैक्टली सीन नहीं बता सकती, आई थिंक ऑडियंस को देखना चाहिए जाके, बट देयर वाज अ सीन जो दिखाता है कि हाउ यू नो पीपल हु आर एट अ पोजीशन जो एक मतलब सिफारिश से या किसी भी तरह से पोजीशन पे होते हैं वो कैसे दूसरे लोगों को, टैलेंटेड लोगों को जिनमें कुछ क्षमता है वो दबाने की कोशिश करते हैं, एंड आई डोंट थिंक किसी को ऐसे दबना चाहिए, सबको अपनी काबिलियत को पहचान के आगे बढ़ना चाहिए। 5 में से अगर कोई रेटिंग देना हो 5 में से? आई थिंक 4 स्टार परफेक्ट। मैं कहूंगी कि आज के टाइम में जहाँ नेटफ्लिक्स Amazon इज शोइंग व्हाट, और ये देखिए praiseworthy
all the best to the director, the performers, and the way they have expressed everything. Beautiful. ऐसी फिल्में और बननी चाहिए ताकि समाज में अच्छाई फैले. अच्छा, 5 में से कितनी रेटिंग देनी चाहिए? आई थिंक 4.5. ब्यूटीफुल, बहुत देख के मजा आ गया. आफ्टर लॉन्ग टाइम ऐसी मूवी देखने मिली है, जैसे कि केसरी मूवी थी अक्षय कुमार की, उसके बाद ये देखे हमको जोश आ गया. एक वन काइंड ऑफ सामाजिक संदेश, सोशल मैसेज इसमें. और मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डायरेक्टर साहब का, प्रोड्यूसर साहब का, जो इतने दिन के बाद मुझे ऐसी अच्छी मूवी देखने मिली. बहुत देखे हमने शाहरुख को सलमान के लटके झटके, मैं ये मूवी देखने मिली, बहुत मजा आ गया. आई एम वेरी हैप्पी. थैंक यू सो मच. 5 में से कितना स्टार देंगे सर? 5 में से मैं तो बोलूंगा 5 में से 5 मार्क्स टोटल. पुलिस वाले के ऊपर है एकदम जान की लगी, ऐसी कोई कोई नहीं बना सकता. 5 में से कितना स्टार देंगे सर? 5. जितना बोल उतना कम. इतनी अच्छी पिक्चर बनी है और बहुत बढ़िया है. 5 में से कितना स्टार देंगे सर? 4. 4.5. मूवी बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है. देखने को ऐसा लगता है कि हम हमारे बच्चों को भी इसी में ये इसी में लगा देवे, सैनिक में या इसी में. बहुत अच्छा लगा फिल्म. पब्लिक फुल फैमिली के साथ भी इस पब्लिक पिक्चर को देख सकते हैं फैमिली के साथ में. और इतनी बेहतरीन मूवी एकदम, यानी कहने का मतलब शुरू से एंड तक जकड़ के रखा है एकदम. इतनी बेहतरीन मूवी एकदम शाहरुख खान की फिल्में, अमिताभ की बहुत फिल्म फिल्में देखी थी, ऐसी फिल्में एकदम फर्स्ट क्लास, अच्छा लगा. सर, फिल्म का कौन सा ऐसा पार्ट था जो आपको भावुक भावुक किया या फिर हंसाया या फिर अच्छा लगा? कौन सा पार्ट? हंसाने वाला तो बहुत अच्छा ही लगा. कॉमेडी तो मेरे को खुद को अच्छा लगता है. और एक पल जो आता है ना कि वो इसको छोड़ के दूसरे के साथ चले जाती है, राइट वो थोड़ा सा ऐसा लगा कि इतना अच्छी मूवी में. लेकिन क्या करेगा, पार्ट ऑफ मूवी बहुत बेहतरीन थी. 5 में से कितना स्टार देंगे सर? 4. थैंक यू. देखा है और हिंदी में और अभी वापस हिंदी में. तो मैं, ये इतनी अच्छी मूवी है, एक समाज को, यंग जनरेशन को एक मैसेज देता है कि समाज के लिए कैसे काम करना है और कैसे आगे बढ़ना है. 2 लाइन में मैं सिर्फ बताऊं, कुछ रास्ता लिख देंगे, कुछ हम लिख देंगे, तुम लिखते जाओ मुश्किलें, मैं मंजिल लिख दूंगा. आंखों में समंदर, दिलों में आग लिख दूंगा. तुम तूफान लेके आना, मैं चिराग रख दूंगा. ये जहान किला मूवी है मेरे दोस्त, ये जहान किला मूवी है मेरे दोस्त. सारे थिएटर हाउसफुल होके एक नया इतिहास लिख देंगे. मैं सबको, पूरे मुंबई के, गुजरात के और सारे इंडिया के लोगों को विनम्र अपील करता हूँ कि जरूर आप एक बार ये मूवी देखिए. बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है. धन्यवाद. 5 में कितना स्टार देंगे सर? 4 स्टार. किस प्रकार का रिएक्शन आ रहा है जरा बताइए. मेरे लिए अभी प्रोसेस करना, इट्स स्टिल वेरी फ्रेश राइट नाउ इन द, आई एम स्टिल प्रोसेसिंग इट, बट बहुत अच्छा लग रहा है. जो भी आ रहा है कहानी से रिलेट कर पा रहा है, वो जॉय ऑफ सिनेमा, आई फील गुड अबाउट इट. सो इट्स वेरी गुड कि एज अ ह्यूमन हम एक सिनेमा के थ्रू कनेक्ट कर पा रहे हैं. सो मुझे फिलहाल इस चीज़ की बड़ी खुशी है. सो इट फील्स गुड. अच्छा, काफी लोगों ने जो फिल्म देखी है उनका ये बोलना था, जिस वक्त सिमरन छोड़ती है, जिस वक्त होटल में बोलती है, ना बोलती है और कार में चली जाती है, वो बहुत भावुक पल था, रोने वाला पल था. आपको वो पल कैसा लगा? आई फील मूवी में वो पल होता है जहाँ पे सरेंडर कर देते हैं. इंसान सीखता है कि तब तुम्हारे हाथ में एक्चुअली कुछ नहीं होता है. एक स्पिरिचुअल जर्नी भी होती है जिसमें तुम्हें सरेंडर करना पड़ता है. तो जब तुम वो करते हो, आई थिंक तब सबसे ज्यादा टफेस्ट चैलेंजेस फेस करते हो, बिकॉज वो दिल के चैलेंजेस होते हैं. सो फिजिकली तो हम फिजिकल वर्क भी करते हैं, लेकिन ऐसे इमोशनल चैलेंजेस आर हार्डर. सो आई थिंक ये उस वक्त ये सब टेस्ट इनकी लाइफ में आ रहे थे, कैरेक्टर्स की लाइफ में. तो या दे हैड टू गो थ्रू दिस एंड देन अचीव हैप्पीनेस एट द एंड. क्या पब्लिक ये उम्मीद करे कि अब तो IPS ऑफिसर बन गए या नेक्स्ट पार्ट भी हो सकता है? ओह, दैट यू हैव टू आस्क द डायरेक्टर. अ लॉट ऑफ यू नो फैंस एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु डिड
watch the film, they're asking ke, what's in the next season, are they gonna give us a story of what Shinda and Simran are doing and what's up with them. So it's a fun thought. Let's see how the producers and the directors think. Agar aap ek darshak ki nazar se dekhe to kitna star denge 5 se? Meri movie hai to mere liye thoda difficult hoga, but 5 out of 5. जहाँ किला मैं गुजरात से आया प्रीमियर में, जगदीश देशवाणी नाम है मेरा। एक बच्चों के लिए तो इंस्पिरेशन वाली स्टोरी है और कुछ अलग टाइप की स्टोरी है। डायरेक्टर ने बहुत मेहनत की है, प्रोड्यूसर ने स्टोरी पर ध्यान दिया है, क्योंकि हिंदी पिक्चर में ऐसी मूवी अभी तक तो देखी नहीं जा रही है, क्योंकि एक अलग टाइप की स्टोरी है। क्योंकि स्टोरी में क्या होता है कि कोई लव स्टोरी जैसी नहीं है, लेकिन एक आईपीएस की या उस टाइप के जो ट्रेनिंग की पुलिस की स्टोरी है, एक बच्चों को तो देखने लायक जैसी है कि इसमें इंस्पायर होते हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। 5 में से कितना स्टार देंगे सर? 5 में से मैं आपको 4.5 स्टार। बहुत अच्छी लगी फिल्म में। बेसिकली जो मुझे कॉन्सेप्ट जो अच्छा लगा वो ये था कि एक बंदा इतनी मेहनत करके जब आगे बढ़ता है तो उसे रोकने के लिए कितने एलिमेंट्स काम करते हैं, और उन सब तकलीफों को दूर करते हुए वो अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचता है। ये जो कॉन्सेप्ट था वो वाकई में मतलब काबिले तारीफ है। एंड वेल मेड, वेल डायरेक्टेड, वेल ट्रीटेड, वेल स्ट्रक्चर्ड फिल्म, सबको देखनी चाहिए और ऐसी फिल्में और बननी भी चाहिए। सर 5 में से कितना स्टार देना चाहेंगे? 4 तो मिनिमम, क्योंकि 5 इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि 5 देखें अगर दे देते हैं तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश खत्म हो जाती है, तो 4 देते हैं ताकि आगे बढ़े। बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाई है। वेरी कॉन्सेप्ट, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, डॉक्टर्स, पुलिस फोर्स, नर्सेस, इनको डेडिकेट किए, ये कॉन्सेप्ट इज वेरी न्यू टू मी, सो आई लाइक दैट कॉन्सेप्ट वेरी मच। क्योंकि सोसाइटी के वो लोग हैं जिन्हें हम अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं कि आपको भी कुछ डेडिकेट, सो दे ऑल्सो फील गुड, सो दैट कॉन्सेप्ट इज वेरी गुड। द डायरेक्टर्स कट इज एक्सलेंट टू, एंड फ्रेशनेस ऑफ द स्टार्स, द थीम, और ये कॉन्सेप्ट कि अगर हमारी जिंदगी में कुछ एडवर्सिटी आती भी है वो हम अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं बाय बी स्ट्रॉन्ग। तो हर किसी की जिंदगी में ऊपर नीचे आता ही रहता है, जैसे हीरो की लाइफ में नीचे आया लेकिन वो और भी अच्छा छा गया, उसने और भी अच्छी मेहनत की, सो वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग इन अवर लाइफ। सो दैट कॉन्सेप्ट, द म्यूजिक वॉज वेरी गुड, इनिशली द कॉमिक एलिमेंट्स जो कॉमेडी थी बहुत ही अच्छी लगी, एंड लेटर ऑन द मूवी टर्न कर जाती है इनटू समथिंग लाइक सीरियसनेस एंड ऑल। एक्टर मेन एक्टर, पानी की फ्रेशनेस, द म्यूजिक, द रोमांस, एवरीथिंग वाज रियली वेरी गुड, बहुत ही सही थी, सब को देखनी चाहिए। 5 में से कितना रेटिंग देना चाहिए? 5 में से 5, आई वुड गिव 5 फॉर बूस्टिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टार्स, कि उन्होंने मेनी फर्स्ट टाइमर्स वर थे, बहुत लोगों को जॉब क्रिएट किया गया, द कॉन्सेप्ट एवरीथिंग, आई वुड गिव 5 आउट ऑफ 5। 30 साल के बाद ये फिल्म देखी है, मेरे को तो इतनी अच्छी फिल्म लगी जिसका हिसाब नहीं, बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी, सुपर से डुपर, यानी कि मैं 15 के 20 साल के बाद देखी है, इतनी अच्छी लगी है मेरे को कि मेरे तो मन को छू के गई है। बाकी और मैं इसकी ज़्यादा बड़ा कोई और लफ्ज़ शायद मैं वो भी इस्तेमाल करेगा, लेकिन बहुत ही अच्छी, थैंक यू। सर इसका सेकंड पार्ट बनेगा? बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, जरूर बनेगा, इतनी अच्छी फिल्म बनी है तो सेकंड पार्ट भी जरूरी है। अच्छा, आपकी नजर से अगर इसको रेटिंग देनी हो 5 में से, तो क्या रेटिंग देनी चाहिए? सभी का काम मेरे को बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक वो जो उस्ताद जी है उसका काम तो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू, इसके ज्यादा आगे मैं कुछ नहीं कह सकूंगा। थैंक यू। सेकंड पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि आईपीएस ऑफिसर अब बन चुका है, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट अभी डिपेंड करता है, लाइक कैसे रिस्पॉन्स मिलता है उसके ऊपर, तो आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप लोग को क्या, जैसे आप लोग ने अभी फिल्म देखी तो आपके फीडबैक, आपके रिव्यूज वो जैसे जाते हैं लोगों तक पहुँचते हैं, तो उसके बाद उसका डिमांड बढ़ी है, तो अगर डिमांड होगी तो 100% वर्क ऑन द सीक्वल ऑफ द फिल्म। सर यहाँ का तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा लग रहा है, आपके दोस्तों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, फैमिली से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, बताना चाहेंगे? सभी का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, जिन्होंने भी फिल्म देखी उन्हें पॉजिटिव लगी पहली बार,
टेक्निकली स्ट्रॉन्ग लगी और वही मतलब सारे कैरेक्टर सभी को रियल लगे, मतलब ऐसा नहीं लगा कि कोई कैरेक्टर फोर्स था, तो क्योंकि हमने हर कैरेक्टर को हमने प्रॉपरली कास्ट किया था, एक एक कैरेक्टर को मतलब 100-100 लोगों में से हमने उनमें से ऑडिशन करके कास्ट किया था, तो इसके लिए वो सारे कैरेक्टर्स फिट हो गए वो अपने अपने रोल में, तो एक उसका प्लस पॉइंट था। कुछ बोल सर, मूवी बहुत अच्छा लगा बनाया आपने, क्या कहना चाहिए, कितना प्यार मिला प्यार तो बहुत ज़्यादा मिला है, अभी वही चाहते हैं कि लाइक पंजाबी में हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो अभी यही चाहते हैं कि हिंदी में भी, जैसे फिल्म हिंदी में डब हुई है तो हिंदी में भी अभी कुछ सिटीज़ में हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं, जैसे दिल्ली, पंजाब, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, फिर मुंबई है, पुणे है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि ये मतलब पैन इंडिया ये फिल्म चले, लोगों का रिस्पॉन्स मिले और एक अच्छी फिल्म है, लाइट फिल्म है, एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, तो लोग देखें और उसको अच्छा मतलब प्यार दे रहे हैं। सर फिल्म तो बहुत अच्छी बनी है, इसमें सोशल मुद्दे भी आपने उठाए, जैसे कि हिंदू मुस्लिम का एक जो दंगे वाला था, इसके अलावा जॉब का एक मुद्दा है, एक ड्रग्स वाला भी मुद्दा उसमें आपने इंक्लूड कर लिया था, काफ़ी कुछ इसमें इंक्लूड किया गया है। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, इसमें लिखावट के ऊपर कितना आप लोग ने वर्क किया, क्योंकि ये स्टोरी शुरू से लेकर लास्ट तक बांधी हुई थी। जी लिखावट मतलब हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था इसमें, और इसमें जैसे आपने कहा कि काफ़ी चीज़ें जो मतलब एक्चुअल मुद्दे उठाए हैं, तो ये सब रिसर्च करके उठाए जो एक्चुअल में है, मतलब जो अब हम स्मॉल टाउन्स देखेंगे तो स्मॉल टाउन्स में जो यूथ है, जो आज की यूथ है, वो ये सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, तो वही इशू जो हमें मतलब कोई भी स्मॉल टाउन अगर जाते हैं हमें वो सामने दिखता है, तो जो दिखता है वही हमने स्टोरी में उसको इम्प्लीमेंट किया है। अगर मैं एक आम आदमी या आम दर्शक के हिसाब से आपसे सवाल करूँ कि आपको कैसा लगा और 5 में से क्या रेटिंग देना चाहेंगे? ऑब्वियसली लाइक 3 या 4 दूंगा मैं। 3-4 अच्छा ये सर 3 देंगे, 2 मार्क्स किसका काट रहे हैं सर फिर? खुद के लिए काटूंगा। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह की मूवी बनाने की इन्होंने हिम्मत किया। मैं ये प्रशंसा के काबिल है कि कोई इस तरह की फिल्म कोई बनाता ही नहीं है, बड़े बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इस तरह की फिल्म बनाने की कभी हिम्मत नहीं करते। अभी मैं हॉल में बैठ के इस पिक्चर को देखा, देखो मेरा रोआ खड़ा हो गया। ये यूथ के लिए एक सबक है, जो लोग यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, बच्चों को कैसे स्ट्रगल करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तो दिल से दुआ है। और ये फिल्म तो ऑस्कर के लिए जाना चाहिए, ऐसी फिल्में बनती कहाँ है, ऐसी फिल्में नहीं बनती है, सब लोग अपना इंटरटेनमेंट करता है, और इन्होंने जो किया वो काबिले तारीफ है। मैं इनको सैल्यूट मारता हूँ, फिल्म से पहले मैं इनको सैल्यूट मारता हूँ जिन्होंने ऐसे फिल्म को जन्म दिया, हमारे समाज के लिए एक सबक है, और दिल से दुआ करता हूँ कि ये फिल्म सुपरहिट हो, आगे जाए और हमारे यूथ को सबक मिले और अच्छे अच्छे फिल्मकार भी इस फिल्म को देखे और एक सबक ले जी कि समाज को कैसे एक अच्छे रूप में लेके जाया जाता है। और थैंक यू, मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। 5 में से कितना रेट देना चाहेंगे रेटिंग का? 100 में 100 कोई